पश्चिम चंपारण जिले में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच में एक कोरोना संक्रमित मरीज के भर्ती नहीं हो पाने के कारण मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में बेड की कमी का हवाला देकर भर्ती से मना कर दिया गया। इस दौरान करीब 4 घंटे तक बीमार व्यक्ति अस्पताल के बाहर ऑटो रिक्शा में पड़ा रहा और आखिरकार सिस्टम की हार ने उसकी सांस ले ली। अभी बीते दिनों ही स्थानीय सांसद संजय जायसवाल ने जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल होने की बात कही थी, लेकिन इस घटना ने राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम पर करारा तमाचा मारा है। यहाँ ना बेड है ना ऑक्सीजन ताकी वाले। सर हम लोग लगभग 10 ग्यारह के करीब में आए यहाँ पे, लगभग 4 घंटा हो गया यहाँ पे एडमिट कराने के लिए बोल रहे थे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, यहाँ पे बेड खाली नहीं है। और हम लोग से पीछे पाँचे मरीज दो आए, उनको डॉक्टर साहब खुद आकर ले गए अंदर एडमिट कराए। जी नहीं, बेड खाली नहीं है जब तक हमारे पापा जी एक्सपायर कर गए। जी कोरोना पॉजिटिव थे ये। अब ये डॉक्टर साहब जानते हैं क्यों नहीं एडमिट किए। जी हम लोग गरीब है, हम लोग जितना कर सकते उतना रिक्वेस्ट किए डॉक्टर साहब को, प्लीज़ आप कर लीजिए। हम लोग गरीब आदमी, एक ही सहारा है हमारे पापा जी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बंदी बोलकर इसको हफ्ते दिन से बीमारी था, हफ्ते दिन से मैंने लेके गया सुगौली, वहाँ दो रोज दवाई चलाए कोई उनको महसूस नहीं हुआ। वहाँ से लेके आया फिर मझौलिया सरकारी में उसको भर्ती कराया, दो रोज में चेक नहीं तो बेतिया रिपोर्ट लिख दी, बेतिया रेफर कर दिया। रोहन में जो है नेगेटिव थी, पॉजिटिव में जी पॉजिटिव है, तो उसने बेतिया को रेफर किया। हाँ कोरोना पॉजिटिव है, उसने बेतिया रेफर किया, बेतिया से आज रेफर किया सुबह में। मैं सुबह में यहाँ से आगे खड़ा हूँ, हाँ मझौलिया से बेतिया रेफर किया आज सुबह। मैंने यहाँ 3-4 घंटे हो गया, 3-4 घंटा में मैं जा रहा हूँ किसी के पास, तो कोई कह रहा है कि जो पर्ची नहीं कटेगा, कोई कह रहा है कि जो डॉक्टर बोल रहा है कि यहाँ बेड नहीं है, ऐसे ऐसे करते मेरा मरीज।